गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल केमिस्ट्री क्लास शुरू किया और सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट हुआ। आपको याद होना चाहिए सॉल्यूशन में हम लोगों ने पिछले क्लास में सॉल्यूशन को डिफाइन किया, सॉल्वेंट सॉल्यूट के बारे में पढ़ा, क्योंकि ढेर सारे सॉल्यूशन दुनिया में है तो उनका क्लासिफिकेशन भी जरूरी था। फिर क्लासिफिकेशन और सॉल्यूशन पढ़ा हमने, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सबस्टांस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इस हिसाब से आपने माइनरी ट्राइनरी क्वाटरनरी सॉल्यूशंस लाइक दिस क्लासिफाई किया, एग्जांपल देखा। देन डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आपने 9 टाइप्स के सॉल्यूशन देखे, और हमने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था कि आप सब हर एक टाइप के सॉल्यूशन का दो दो एग्जाम्पल देखे। आशा है आपने लिखा होगा, और अगर परेशानी हुई होगी नहीं मिला है तो आप डबल क्लास में पूछ सकते हैं, मैं उपलब्ध हूँ। देन आज चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, और आज के लिए जो चैप्टर है टॉपिक है वह है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसके अंदर हम ये जानना चाहेंगे कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का क्या अमाउंट है। इसको जानने के लिए कई तरीका है, एक है क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव। तो पहले कंसंट्रेशन टर्म का यूज हम किस सेंस में करेंगे, टू नो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन करते हैं तो उद्देश्य यही है, इसमें हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट के अमाउंट को जान सके, और इसके लिए हम दो तरीका यूज कर सकते हैं। एक है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव प्रोसेस में हम सेम कंपोनेंट के दो सॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं। जैसे सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने ए और बी को लिया, मान लिया ए मेरा सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट। हमने इन दोनों का दो अलग अलग सॉल्यूशन बनाया, ए और बी दोनों को दो अलग अलग सॉल्यूशन में रखा। मान लिया गया ए का अमाउंट एक्स है और बी का अमाउंट वाई। दूसरा सॉल्यूशन ए और बी का बना जिसमें माना हमने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ए एक्स एंड बी ईच से पी, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दोनों में सेम, सॉल्यूट अलग अलग है। हो सकता है वाई पी से ज्यादा हो या पी वाई से ज्यादा हो। तो अगर अमाउंट ऑफ वाई इज ग्रेटर देन पी, यानी यहां पर सॉल्यूट ज्यादा है और यहां पर इसके कंपैरिजन में सॉल्यूट कम है, तो कंपोनेंट से सॉल्यूट का अमाउंट से सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा। अब अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है तो हम कहते हैं इसी सॉल्यूशन को, सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी को,
concentrated solution. और अगर सॉल्यूट का अमाउंट कम है तो एक ही के सॉल्यूशन को ही हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जब आप पढ़ते हैं तो ढेर सारे केमिकल के साथ यह वर्ड देखते हैं, कॉन्क कुछ नाम लिखा रहता है, डीआईएल कुछ नाम लिखा रहता है, कॉन्क स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेटेड, DIN stands for diluted solution. तो इस तरह से क्वालिटेटिवली सेम कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेट और डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। कंसंट्रेट तब कहेंगे जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हो, और डाइल्यूट तब कहेंगे जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम हो। जहां तक साइंस की बात है, विदाउट परफेक्ट मेजरमेंट कुछ नहीं होता। तो अगर हम सॉल्यूशन को डील करना है तो उनका एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मेजर करना होगा, और इसके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो है क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट। करने के लिए वर्ड हम यूज कर रहे हैं, लेकिन आप इसमें जो भी मेथड हम यूज करेंगे लगभग सारे को 9 से 11 तक पढ़ चुके हैं। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के लिए जो सब तरीका हम अपनाते हैं वह है 9 में और 11 में आपने देखा है मास परसेंटेज, दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इस तीन के अलावा जो आपने 9 में देखा था, 11 में रिपीट किया था, जो 11 में पढ़े एक है मोलारिटी, नेक्स्ट है मोलारिटी, जरा सा डिफरेंस है लिखने में, मोलारिटी मोलारिटी, नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, PPM, PPM पार्ट पर मिलियन। हम कई जगह PPB भी देख सकते हैं, पार्ट पर मिलियन। तो हम लोग मैंने इस 7 के पाठ में पढ़ेंगे, इसके अलावे कभी आपको PPB और कभी आपको नॉर्मलिटी भी देखने को मिलता है। जरूर कम सा उससे पढ़ेंगे, हमारे कंसर्न में ये साथ, और हम लोग बारी बारी से एक शॉर्ट रिविजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मास परसेंटेज, मास परसेंटेज के लिए हम एक सिंबल भी यूज करते हैं, जो इतना बड़ा लिखा गया है मास परसेंटेज, हम इसे W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले को डिफाइन करते हैं, परसेंटेज से आप पहले से परिचित है, आउट ऑफ 100 मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड मास परसेंटेज। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन,
सपोज हमारे पास पानी और चीनी का 100 ग्राम सॉल्यूशन है, वाटर है, शुगर का जो एक लीटर में पड़ा हुआ है। अब अगर इस 100 ग्राम में 88 ग्राम पानी है और 12 ग्राम शुगर, तो हम कहेंगे मास परसेंटेज ऑफ इस सॉल्यूशन 12%। इस तरह से कहीं लिखा है 10% सॉल्यूशन, 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर ऐसा कहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि इस सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और रेस्ट 90 ग्राम एक्वस यानी पानी। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इनको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करें? दिस मास परसेंटेज कैन बी एक्सप्लेन मैथमेटिकली एज मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मीन्स आपने कितना सॉल्यूट रखा, कितना सॉल्वेंट रखा, दोनों को मिलाकर जो मास होगा दैट इज कॉल्ड टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो कभी भी अगर आपको सॉल्यूशन का मास परसेंटेज निकालना हो आपको जानना पड़ेगा उसमें सॉल्यूट कितने ग्राम है, सॉल्यूशन का मास क्या है, मल्टीप्लाई बाई 100। इनको हम जो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे है सिंबॉलिकली भी लिख सकते हैं। मास परसेंटेज जैसा कि आपको बताया हमने W/W, मास ऑफ सॉल्यूट M, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन W/100। तो यहाँ हम W/W को मास परसेंटेज कह रहे हैं, एम को मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आप इसके यूज से मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3 अलग अलग क्वांटिटी है, कोई दो पता हो तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। अगर हमको मास परसेंटेज पता हो, सॉल्यूशन का मास पता हो, हम मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप मैथ के स्टूडेंट अगर हैं तो इस तीन में कोई भी दो पता हो हम तीसरा निकाल सकेंगे। अब अगर आपने मास परसेंटेज को समझा है तो बाकी आगे वाला दो यानी वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपके लिए आसान होगा। तो आइए देखते हैं सेकंड वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज को फिर पहले की तरह डिफाइन करेंगे। पहले हमने कहा था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट, अब कहेंगे वॉल्यूम परसेंटेज के लिए वॉल्यूम परसेंटेज। सिंबल इनके लिए भी है V/V। पूरा भी डेफिनेशन को यूज करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट को कहेंगे नहीं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वहां कहा था मास ऑफ सॉल्यूशन, हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बाकी कोई चेंज नहीं। तो आई कैन डिफाइन वॉल्यूम परसेंटेज एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। Each called volume percentage of the solution. Volume of solution present in 100 milliliter of solution is called volume percentage. Mathematically, पहले की तरह volume percentage is equal to volume of solute by
volume of solution into 100. Symbolically, yes, so mathematically, volume percentage is equal to volume of solution divided by volume of solution into 100. Symbolically, volume percentage V by V is equal to volume of solute, small v, volume of solution, capital V, into 100. So, आप इस तरह के रिलेशन में volume percentage निकाल सकते हैं. फिर पहले के तरह mass percentage के तरह यहाँ पर V by V की है. कोई दो पता हो, तो आप तीसरा calculate कर सकते हैं. अगर कहीं ऐसा लिखा है 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल बाय वॉल्यूम, तो मीनिंग होगा कि अगर इस सॉल्यूशन का 100 मिलीलीटर आपके पास है, उसमें 20 मिलीलीटर अल्कोहल है और 80 मिलीलीटर पानी. आमतौर पर वॉल्यूम परसेंटेज इट इज यूज्ड व्हेन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बोथ आर लिक्विड. अगर दोनों लिक्विड स्टेट में है तो आमतौर पर हम वॉल्यूम परसेंटेज यूज करते हैं. इस तरह से आपने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज दो को देखा. उम्मीद है आप ठीक ठाक समझ गए होंगे. अब यहां पर एक एग्जाम्पल देखिए. हमने लिखा है 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल बाय वॉल्यूम. तो क्लियर है कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 20 मिलीलीटर इथेनॉल है. लेकिन कई बार आप देखेंगे यह वर्ड नहीं लिखा गया है, बाय वॉल्यूम या बाय मास या बाय मास बाय वॉल्यूम, जो तीसरा टॉपिक है. तो अगर आपको मेंशन ना हो, गिवन ना हो कि द परसेंटेज इज वेदर मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और मास बाय वॉल्यूम, तो आप यहां क्या सोचेंगे, क्या यूज करेंगे? तो याद रखें, व्हेन इट इज नॉट गिवन दैट इट इज मास बाय मास और वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, देन वी कंसीडर इट एज मास परसेंटेज. जब आपको मास परसेंटेज या वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज तीनों में कुछ भी ना लिखा हो, तो हम उसे मास परसेंटेज ही मानते हैं, या लोगों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा, पूर्व साइंटिस्ट के द्वारा, मैथमेटिशियन के द्वारा यह तय किया गया है कि अगर हम कोई इंफॉर्मेशन न दें, सिर्फ परसेंटेज दे रहे हैं, तो वह मास परसेंटेज माना जाएगा. अब आते हैं तीसरा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अगर मैं इसका डिफिनेशन ना भी लिखूं तो उम्मीद है आप लिख लेंगे. मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, मैं बोलकर सुना रहा हूं. मास बाय मास में था मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो यहां से ठीक है, पहले मास दिया है बाद में वॉल्यूम है, तो इसका सिंपल डिफिनेशन हो गया मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन. मैथमेटिकली इनके लिए हमने सिंबल बनाया हुआ है एम बाई वी, और एम बाई वी को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. इनको और छोटा करें, मास बाय वी
mass of solid के लिए and volume of solution के लिए V into 100. तो पहले के तरफ फिर तीन नहीं हो, तीन पॉइंट के दो अगर आप जानते हैं, तीसरा निकाल सकते हैं और इस पर बोलोग मिलेंगे सारा numerical 9 और 11 में कर रखा है. अभी भी आपके बुक में मिलेंगे, मेरे व्हाट्सएप में मिलेंगे, आप प्रयास करिएगा सॉल्व करने का. इस तरह से यह तीन जो हम लोगों ने 9 से 11 में पढ़ा था देखा गया. यहाँ एक ही बात ध्यान रखने की है, जब तीनों में कोई भी परसेंटेज न लिखा हो आप मास बाय मास मारेंगे. आगे दो ही तीन या चार टर्म बचे हैं, उनके लिए आपको हाउ कैन यू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस, यह जरूर आपको आना चाहिए. कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या याद है 9 और 11 से कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए सब्सटेंस कई रिलेशंस पढ़े थे, उसमें से एक का हम यूज कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू नोन मास और गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस. हमको पहले से सब्सटेंस का मास अगर दिया गया है, हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं या याद है तो उस सब्सटेंस का गिवन अमाउंट में मोल कैलकुलेट कर सकते हैं. इनको सिंबल कर ही हम लिख सकते हैं. मोल का सिंबल आपको पता है एम, मास का सिंबल एम, मोलर मास का सिंबल कैपिटल एम. तो अगर फॉर्मूला एंड हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास जानकारी हो तो आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते. छोटा सा एग्जांपल दीजिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को सुने अगर फिर से, तो गिवन मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का आपको फॉर्मूला भी जानना चाहिए H2SO4, मैंने क्वेश्चन में कहा है 49 ग्राम और आपसे पूछा है इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितने होंगे, तो अगर आप इसको देखें तो आपको मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जानना चाहिए. तो आप कैलकुलेट कर मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल, हमें तो याद मैंने दिया 98 ग्राम पर मोल. क्या आप बता सकते हैं 98 ग्राम पर मोल कैसे हुआ, तो इसके लिए आपको एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा, कोई आपका मदद नहीं करेगा. और मैं बहुत पहले से कहते रहा हूँ एटम्स देयर सिंबल नेम एंड मास आपको जानना चाहिए. आइए देखते हैं, दिस फॉर्मूला शोज दैट 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन इज देयर एंड एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, सो 2 × 1. 1 एटम ऑफ सल्फर इज देयर और आपको याद है सल्फर का एटॉमिक मास 32. फिर ऑक्सीजन 4 एटम 4 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 60. ये ग्राम पर मोल है, इनको अगर आप मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे तो 98 ग्राम होंगे ही होंगे. तो हमें दो इंफॉर्मेशन मिल गया, अब नंबर ऑफ मोल निकालना है. देयरफॉर नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 इन 49 ग्राम निकल, मास 49 ग्राम, मोलर मास 98 ग्राम पर मोल. आप जानते ही हैं 1/2 ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल रेसिप्रोकल में है ऊपर और फिट कर गया, हाफ मोल है 0.5 मोल. आमतौर पर जब आप कैलकुलेट करते हैं इस यूनिट को पहले नहीं लिखते हैं
और ज्यादा से एंसर में यूनिट ले आते हैं। आप लेवल में भी सीखते हैं, कन्वर्सन के समय यूनिट का उपयोग सही किया जाता है। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालने का कैपेसिटी है तो आप अगला दो नहीं बल्कि तीन जो अलग अलग तरीके हैं कंसंट्रेशन नापने का, जानने का, आसानी से समझ सकेंगे, उस पर आने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट है, आपने जैसा अपने लिस्ट में देखा या देखिए, मोलरिटी, मोरालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो आज आप वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज तीन को देखते रहे। इस पर जो दो एक क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने का प्रयास करें। अगली बार जब हम मिलेंगे तो यह थ्री मोलरिटी एंड मोलैलिटी इस दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ताकि दोनों में क्या बारीक सा डिफरेंस है जैसा पढ़ने में वैसा ही समझने में समझ पाएंगे। देन मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीपी और जो सब है। आज के लिए इतना, आपको धन्यवाद। जो भी नोट मिले उसे आप प्लीज फेयर कॉपी में रखें और जो उसमें क्वेश्चन दिया गया उसे सॉल्व करें। थैंक यू।